Hey guys, this is Prayas Mishra and you have started watching The Global Local. Welcome to yet another video. दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कुछ एसेंशियल और बेसिक कैंपिंग टूल्स के बारे में। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ हाइकिंग और एक्सोटिक कैंपिंग टूल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ये हाइकिंग एंड ट्रेकिंग पोल से। दोस्तों ये एल्यूमिनियम का बना हुआ पोल स्टिक है जो कि आपको पहाड़ों पे बैलेंस बनाने में, आगे चलने में सपोर्ट सिस्टम की तरह मदद करता है। इसमें शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपको तेज शॉक से प्रिवेंट करता है। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर एक इनबिल्ट लाइट है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके बहुत काम आएगी। और आपके हाथ में अगर एक स्टिक हो तो जंगल में चलते हुए एटलीस्ट छोटे मोटे जानवरों से तो थोड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही सकता है। दोस्तों ये कॉम्पैक्ट भी है, जब आपको यूज ना करना हो आप इसको जस्ट थोड़ा सा रोल करिए और ये छोटा होता चला जाएगा। और इस तरीके से आप इसको अपने बैग में या बैग के साइड में कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइकिंग करते टाइम, स्पेशली नाइट में, वो है लाइट। अच्छा, लाइट आप हाथ में पकड़े उससे बेटर है आप के हैंड्स फ्री कोई लाइट आपके साथ रहे। जैसे कि ये एक हेडलाइट है दोस्तों, इसमें बैटरी पड़ती है और ये रिचार्जेबल है आराम से। एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये 12 घंटे तक चल जाती है। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाई थी, अराउंड 800 या 700 रुपीज की थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन सभी चीजों का, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से आप अपने सिर पे पहनिए एंड यू आर गुड टू गो। आपके हाथ खाली है, आप जो काम करना चाहें कर सकते हैं और ये लाइट आपको फॉलो करेगी। दोस्तों तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जंगल कैंपिंग के लिए आपकी काम आने वाली है वो है फायर। अच्छा, फायर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता लेकिन फायर स्टार्टर किट जरूर आपको दिखा सकता हूं मैं। ये दोस्तों फ्लिंट कहते हैं इसको, फायर स्टार्टर फ्लिंट होता है ये। इसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कैरी तो मैच स्टिक्स भी कर सकते हैं लेकिन वो भीग जाएंगी, सील जाएंगी, मे भी काम ना आए। लेकिन इसे देखिए, ये आपके जरूर काम आएगा, ये ऑल वेदर प्रूफ है और ये हर टाइम चलेगा। इसको जस्ट, इसमें एक स्क्रबर होता है और एक मैग्नीशियम स्टिक होती है, इसको ऐसे लेके और फ्लिक करना है एंड जिसमें आप कुछ भी जला सकते हैं। लेकिन आप जलाएंगे क्या? आपको जलाने के लिए जंगल में कुछ सूखी घास लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा और उसके लिए इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास हो तो आपके लिए सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगी और लकड़ी काटने में भी मदद करेगी, वो है ये एक्स। दोस्तों ये एक्स जो है ये मैंने 700 रुपीज में अमेजोन से ही मंगाई थी और ये एक फाइबर ग्लास एक्स है जिसपे रस्ट नहीं आता और बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, इजी टू यूज है और इस पे एक सेफ्टी कवर भी है ताकि ये आपके खुद के हाथ ना काट दे। दोस्तों रात को जंगलों में लाइट सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और लाइट, दिखने वाली लाइट के साथ साथ एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी भी। तो उनके लिए पहले तो ये पावर बैंक्स कुछ मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, आपके पास भी होने चाहिए, आपके मोबाइल गियर्स कैमरा एक्सेट्रा सब कुछ चार्ज करने में आपकी मदद करेंगे। सेकेंड थिंग इज एक हाई ल्यूमन टॉर्च। दोस्तों ये टॉर्च एक लाइट भी है और एक टॉर्च भी है और ये रिचार्जेबल है, इसके साथ चार्जर आता है। ये चार्जर से ये चार्ज हो जाती है, 8 घंटे में फुल चार्ज होती है और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन ये चल जाती है। और दोस्तों अगर आप सोलो नहीं है, किसी के साथ गए हुए हैं और जंगल में ऑब्वियसली घूम रहे हैं, तो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आती है वो है ये रेडियो वॉकी टॉकीज। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, अराउंड 3000 कॉस्टिंग पड़ी थी इसकी। इसकी रेंज अप टू 3 किलोमीटर है, रिचार्जेबल बैटरी के साथ ये आते हैं और आप खुद रखिए एक अपने साथी को दीजिए और अगर आप खो भी जाएं तो आप इनसे जंगल में कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं आता है। जंगलों में टेम्परेट जोन्स में कैंपिंग या हाइकिंग करते टाइम बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन होता है, यानी बहुत ज्यादा पसीना निकलता है आपका। ऐसे में आपकी किडनीज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इवन बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर लॉस होने के कारण और भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में आपके पास एक हाइड्रेशन पैक होना चाहिए, आप ऑब्वियसली बॉटल हर टाइम कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। तो ये हाइड्रेशन पैक मैंने मात्र 400 रुपए में मंगवाया था अमेजोन से, ये अप टू 3 लीटर्स वाटर कैरी करता है। आप यहां से इसमें पानी भर दीजिए
इस वजह से पानी भर जाता है इसमें, और इस साइड से आप धीरे धीरे सिप कर सकते हैं, इसमें आगे सिपर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, आपकी हाइकिंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा सीमिक बनाने के लिए यहां पर है मेरे पास ये बाइनोक्यूलर्स। ये कैसन कंपनी की बाइनोक्यूलर्स हैं, अराउंड 1700 रुपीज में मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। इनका 8x जूम है और ये फुल HD सील्स बोलिए, वीडियो बोलिए, रियल लाइफ आपको डिस्टेंस चीजों को दिखाती हैं। इनमें आगे की साइड कवर्स हैं ताकि इसके लेंस प्रोटेक्टेड रहे, और ओवरऑल भी इसके साथ एक बैग आता है जिसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं। सो कैंपिंग हाइकिंग में एक कॉम्पैक्ट स्टोव की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जिसे आप इजीली कैरी कर सकें। देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होके अपने बैग में आसानी से आ जाता है, आप इसको अपने बैग के पीछे लटका के लेके जा सकते हैं। ये ब्यूटेन स्टोव है जो काफी अच्छा चलता है। दोस्तों मैं आपको एक मिनट इसमें कैन लगा के दिखा देता हूं। इस कैन को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है, जस्ट आपको ये लेना होता है और ये योर गन, इसको आप ऑन कीजिए और इसमें इनबिल्ट लाइटर होता है। और दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सी चीज, ये है मेरे पास एक कॉम्पैक्ट डफल बैग, वाइल्डक्राफ्ट से 1200 रुपए का लिया था ये मैंने। ये ऐसे दिखने में तो छोटा सा है लेकिन इस तरीके से आप इसे खोल दें अगर, ये पूरा खुल जाता है एंड यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 20 लीटर डफल बैग विद यू, जिसमें आप कुछ भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ये सारा सामान ऑलमोस्ट उसमें आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अपने साथ मूव जरूर रखता हूँ क्योंकि पहाड़ों पे चलते टाइम कभी भी पैर में दर्द होता है, कभी भी मोच आती है, तो ऐसे में ये चीज जरूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ हाइकिंग और ट्रेकिंग गियर्स मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा मैंने एक बेसिक कैंपिंग टूल्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके जरूर देखिए। और दोस्तों ये वीडियोस अगर आपको इंटरेस्टिंग लगते हो, इन्फॉर्मेटिव लगते हो, तो प्लीज इन्हें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको अगर इनमें से किसी भी चीजों के बारे में कुछ भी डिटेल्ड रिव्यू चाहिए या कुछ डाउट हो तो मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन बी ग्लोबल लोकल।